नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यकांत फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल फ्रेंचाइजी की बात पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे फूड बिजनेस आइडियाज के बारे में जिनको आप 1,00,000 रुपए के अंदर स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, फूड एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी बंद नहीं होने वाला, उसकी डिमांड हमेशा ही रहने वाली है। जब तक इस धरती पर इंसान रहेगा तब तक फूड का बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि फूड इंसान के लिए एक नेसेसरी चीज है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 5 फूड से रिलेटेड बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसको आप 1,00,000 रुपए के अंदर स्टार्ट कर सकते हो और आसानी से अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब वो कौन से 5 फूड बिजनेस आइडिया है, उन्हें आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा, इन सब चीजों को जानने के लिए आपको देखना होगा वीडियो को एंड तक। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, जो सबसे पहला बिजनेस है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं वो है पानीपुरी। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने पानीपुरी का नाम सुनकर उनको ये लगा होगा कि ये क्या बिजनेस आइडिया बता रही है, तो हमको पहले से ही पता है। लेकिन दोस्तों, पानीपुरी हमारी इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला फूड है और खासकर महिलाएं इसको बड़े चाव से खाती है। तो दोस्तों, आप पानीपुरी के बिजनेस को भी 1,00,000 रुपए के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आपकी पानीपुरी का जो पानी है उसका टेस्ट सबसे बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि फूड के बिजनेस में पूरा बिजनेस डिपेंड करता है टेस्ट के ऊपर। अगर हम पानीपुरी की बात करें तो पानीपुरी का बिजनेस डिपेंड करता है पानीपुरी के पानी पे। जितना अच्छा आप पानीपुरी का पानी बनाएंगे उतने ही ज्यादा लोग आपके यहाँ पे बार बार रिपीट आएंगे और आपका बिजनेस बढ़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, पानीपुरी का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको लोकेशन को भी ध्यान में रखना चाहिए। आपको ऐसे लोकेशन में बिजनेस को स्टार्ट करना है जहाँ पर फुटफॉल ज्यादा हो, लोग आते जाते ज्यादा हो। अगर दोस्तों मैं स्पेस रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो आपके पास में कम से कम 100 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप मटेरियल आराम से प्रिपेयर भी कर सके और लोगों को सर्व भी कर सके। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की, तो इस बिजनेस में आपका जो मोटा मोटी इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा आपकी दुकान का रेंट और डिपॉजिट। मैं मान के चलता हूँ कि आपने एक ऐसी जगह पर दुकान ली है जहाँ पर फुटफॉल ज्यादा हो, तो वहाँ का मैं रेंट पकड़ के चलता हूँ 10,000 रुपया, तो आपका डिपॉजिट का मेन अमाउंट हो जाएगा 50,000 रुपया। इसके अलावा आपको एक टेबल खरीदनी होगी जिसके ऊपर आप पानीपुरी का सारा मटेरियल रख के पानीपुरी सर्व कर पाएंगे। दोस्तों, इस बिजनेस में आपको मटेरियल डे टू डे बेसिस पर परचेस करना होगा। अब मैं डे टू डे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पानीपुरी के पानी को प्रिपेयर करने के लिए जो लगने वाला धनिया, पुदीना, इमली और जो मसाले वगैरह है वो आप जितना ताजा यूज करेंगे उतना ही अच्छा पानी बनेगा। इसके अलावा आपको रगड़ा या फिर आलू चने का जो स्टफ पानीपुरी के अंदर भरा जाता है उसे रोज का रोज प्रिपेयर करना होगा। और पानीपुरी का जो मेन प्रोडक्ट है पूरी, वो भी आपको हमेशा फ्रेश एंड ताजा परचेस करना होगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको रगड़ा या फिर आलू के स्टफ को गर्म रखने के लिए गैस स्टोव या फिर इंडक्शन खरीदना होगा। तो दोस्तों, ये जो बिजनेस है आपका 1,00,000 रुपए के अंदर स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों, आप ये बिजनेस रोड पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो उस केस में आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 से भी कम का होगा। दोस्तों, जो ये मटेरियल होता है पानीपुरी का, ये आप समझ के चलिए कि आप 100 प्लेट पानीपुरी का मटेरियल अगर आपको तैयार करना है तो उसके लिए आपका 700 से लेकर 1,000 रुपए के बीच में इन्वेस्टमेंट जाता है, वो भी अच्छी क्वालिटी का अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो। फॉर एग्जाम्पल मैं पकड़ के चलता हूँ कि 100 प्लेट पानीपुरी बनाने का आपका मटेरियल कॉस्ट पड़ा 1,000 रुपया और आप एक प्लेट पानीपुरी बेचते हैं 20 रुपए की, तो अगर आप दिन का 100 प्लेट बेचते हैं तो आप आसानी से 1,000 रुपया कमा पाएंगे। दोस्तों, ये तो मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इससे भी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके एरिया पर और आप किस तरह की क्वालिटी और टेस्ट मेंटेन कर रहे हैं उसके ऊपर। साथ ही साथ पानीपुरी के बिजनेस के साथ में आप भेलपुरी, सेवपुरी और रगड़ापुरी वगैरह भी चालू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग उन प्रोडक्ट्स को भी पसंद करते हैं। तो ये आइडिया जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप अपनी प्रोडक्ट रेंज बढ़ाते रहना, तो कुछ ही दिनों में आपका पानीपुरी का बिजनेस आपके एरिया में सेट हो जाएगा। अब अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन की बात करता हूँ तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 50% से ज्यादा का प्रॉफिट मार्जिन रहता है, तो आप आसानी से 1,000 से 2,000 रुपया इस बिजनेस को स्टार्ट करके कमा सकते हैं। अगर मैं महीने की बात करूँ तो डेफिनेटली आप 50 से 60,000 रुपया आसानी से कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप बात कर लेते हैं दूसरे नंबर के फूड बिजनेस के बारे में। तो दूसरे नंबर का बिजनेस है वड़ा पाव या फिर समोसा चाट का बिजनेस। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आपने वड़ा पाव भी बोला और समोसा चाट भी बोला, तो दोस्तों आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि वड़ा पाव इंडिया के कुछ रीजन में जैसे कि मुंबई में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाया जाता है और वहाँ पे ज्यादातर लोग इसे पसंद करते हैं। अगर मैं रेस्ट ऑफ इंडिया की बात करूँ तो वहाँ पर लोग समोसा और समोसा चाट को ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो आप वड़ा पाव का बिजनेस आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप रेस्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप समोसा या समोसा चाट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस भी आप 1,00,000 रुपए के बजट के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप शॉप लेके बिजनेस स्टार्ट करें तो आपको 1,00,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर आप रोड साइड में ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके बिजनेस का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप शॉप में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका बजट स्टार्टिंग में कम है तो आप रोड साइड में ओपन कीजिए। लेकिन मोस्टली लोग प्रिफर करते हैं कि ऐसी जगह से वो प्रोडक्ट परचेस करें जहाँ पे हाइजीन और क्लीनिनेस मेंटेन की हुई हो। तो अगर आप हाइजीन और क्लीनिनेस मेंटेन करेंगे तो आप रोड साइड में भी बेचेंगे तो भी लोग आपके यहाँ पे आएंगे, और अगर आप शॉप पे ओपन करते हैं तो वहां पर आप बैठने का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी फूड का बिजनेस
डिपेंड करता है उसके टेस्ट पर। तो वड़ा पाव और समोसे के बिजनेस में भी आपको बेस्ट टेस्ट देना होगा, और इस फूड बिजनेस में टेस्ट आता है चटनी से और मसाले से जो आप प्रिपेयर करके फील करते हैं वड़ा पाव और समोसे के अंदर। दोस्तों अगर इस बिजनेस में मैं बात करूं मटेरियल की, तो दोस्तों इस बिजनेस में आपका जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगने वाला है वो लगने वाला है आपके चूल्हे को खरीदने के लिए, कढ़ाई को खरीदने के लिए, और भी बहुत सारी बेसिक चीजें जो आपको सर्व करने के लिए और फूड को प्रिपेयर करने के लिए यूज होती है। अगर मैं इस फूड में यूज होने वाले रॉ मटेरियल की बात करूं तो उसे भी आपको हमेशा ताजा ही खरीदना होगा। तो इसका जो रॉ मटेरियल है वो है आलू। इसके अलावा चटनी बनाने के लिए आपको धनिया, पुदीना, मिर्ची वगैरह हमेशा फ्रेश खरीदना होगा। अगर मैं एक वड़ा पाव या फिर समोसे की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग पकड़ूं तो वो होती है अराउंड 6 से लेकर 8 रुपए के बीच में। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी क्वालिटी का तेल यूज कर रहे हैं या फिर मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो 6 से लेकर 8 रुपए में आपका एक वड़ा पाव या फिर समोसा पाव तैयार हो जाता है, जिसे आप आसानी से 15 से लेकर 20 रुपए में बेच सकते हैं। तो इस बिजनेस में भी आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 50% से ऊपर का है। अगर आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आप आसानी से 1000 से 1200 रुपए इसमें प्रॉफिट कमा लेंगे। तो दोस्तों तीसरे नंबर का फूड बिजनेस है इडली और मेदू वड़ा। तो दोस्तों इस बिजनेस को भी आप 1 लाख रुपए के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये डिपेंड करता है कि आप सेटअप कैसा कर रहे हैं। अगर आप एक प्रॉपर शॉप लेके ओपन कर रहे हैं तो आपका कॉस्ट लगभग 1 लाख रुपए के आसपास में लगेगा। अगर आप रोड साइड में ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप आसानी से 10,000 से लेकर 20,000 में ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन रोड साइड में ये बिजनेस स्टार्ट करने में आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है कि जो भी रॉ मटेरियल आपको रेडी करना होगा वो आपको आपके घर से रेडी करके लाना होगा, फिर उस रॉ मटेरियल से आपको आपके आउटलेट पे एकदम ताजा ताजा रॉ मटेरियल बनाना होगा, मतलब इडली और मेदू वड़ा बनाना होगा। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हर फूड बिजनेस का सक्सेस होना डिपेंड करता है उसके टेस्ट के ऊपर। तो दोस्तों इस फूड बिजनेस में भी डिपेंड करता है कि आप टेस्ट कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। इडली और मेदू वड़ा बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है नारियल की चटनी, सांभर और रॉ मटेरियल जो आप यूज करने वाले हो इडली और मेदू वड़ा बनाने के लिए। जितना अच्छा आपका टेस्ट होगा उतने ही लोग आपके यहाँ पे बार बार रिपीट आएंगे और आपका बिजनेस ग्रो करेगा। इस बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि आप सेटअप कैसा कर रहे हैं। अगर आप शॉप ओपन कर रहे हैं डेफिनेटली आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए के आसपास में लगेगा। अगर आप रोड साइड में ओपन कर रहे हो तो आप 10 से 15 हजार में भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपका जो बेसिक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा आपका इडली बनाने के लिए यूज होने वाले कुकर के अंदर, मेदू वड़ा फ्राई करने के लिए यूज होने वाली कढ़ाई में, इसके अलावा गैस चूल्हा जिसको आप यूज करेंगे इडली और मेदू वड़ा बनाने के लिए, और भी बाकी की चीजें जिससे आप कस्टमर को सर्व कर सको और अपने रॉ मटेरियल की प्रिपरेशन कर सको। अगर दोस्तों आप रोड साइड ओपन कर रहे हैं तो आपका जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा वो हार्डली होगा 10 से 15 हजार रुपए का। इसके अलावा आपको हमेशा फ्रेश मटेरियल खरीदना है, उससे रॉ मटेरियल बनाना है, और उस रॉ मटेरियल से आपको इडली और मेदू वड़ा बनाकर लोगों को सर्व करना है। दोस्तों जो इडली और मेदू वड़े का जो रॉ मटेरियल है वो बनता है उड़द की दाल से और चावल से, जिसको आपको रात भर भिगोना है, उसके बाद में उसे पीसना है, जिससे आपका रॉ मटेरियल बन जाएगा और उससे आप इडली और मेदू वड़ा बना सकते हैं। तो 100 प्लेट इडली और मेदू वड़ा बनाने का जो कॉस्ट आपको आएगा वो हार्डली आएगा 800 से लेकर 1000 रुपए का, और उन 100 प्लेट को अगर आप 20 रुपए के हिसाब से भी बेचते हैं तो आप 2000 रुपए आसानी से कमा पाएंगे। तो दोस्तों इस बिजनेस में भी 50% से ज्यादा का प्रॉफिट मार्जिन है। अगर आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आप आसानी से 1000 रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों अगर स्टार्टिंग में आपके पास में बजट कम है तो आप कम पैसे से स्टार्ट कीजिए, और जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ते चला जाएगा उसके साथ में आप अलग अलग वेरायटी भी रख सकते हैं, जैसे दाल वड़ा हो गया, डोसा हो गया, ये सब भी चीज आप फ्यूचर में रख सकते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं और ज्यादा इस बिजनेस से कमा सकते हैं। दोस्तों चौथे नंबर का फूड बिजनेस आइडिया है सैंडविच का। दोस्तों इस बिजनेस को भी आप 1 लाख रुपए के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया डिपेंड करता है आपके सेटअप के ऊपर, रोड साइड में कम पैसा लगेगा, अगर आप दुकान का सेटअप करते हैं तो उसमें ज्यादा लगेगा। और ऑलरेडी मैंने बताया कि जितना आप अच्छा टेस्ट देंगे उतने ज्यादा लोग आपके यहाँ पे बार बार आएंगे और आपका प्रोडक्ट बिकेगा और आपको प्रॉफिट होगा। तो टेस्ट हर फूड की जान होता है। अगर आपका टेस्ट सबसे बेस्ट है तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा ही होगा। अगर मैं अलग अलग सैंडविचेस की बात करूं तो इसमें एक सादा बेसिक सैंडविच होता है, उसके बाद में ग्रिल सैंडविच होता है, उसके बाद में आप इसमें चीज डाल के, पनीर डाल के, अलग अलग सॉसेस डाल के अलग अलग टाइप के सैंडविचेस बना सकते हैं। नॉर्मली जो सैंडविच की रेंज होती है वो 25 रुपए से स्टार्ट होती है और लास्ट 100-150-200 रुपए तक की सैंडविच बेचते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का सैंडविच बना रहे हैं, क्या साइज का बना रहे हैं और क्या स्टफ उसके अंदर डाल रहे हैं। जितना ज्यादा बड़ा सैंडविच होगा, जितना ज्यादा स्टफ उसके अंदर होगा और जितना ज्यादा यूनिक सैंडविच होगा उतना ही वो महंगा होगा। इस बिजनेस में भी आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है 2 चीजों पे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, एक तो टेस्ट के ऊपर, दूसरा लोकेशन के ऊपर। अगर आप ऐसे एरिया में आपका शॉप या स्टॉल ओपन कर रहे हैं जहाँ पर फुटफॉल ज्यादा है तो डेफिनेटली आपका बिजनेस जल्दी से सेट हो जाएगा और आप जल्दी से अर्निंग कर पाएंगे। अगर दोस्तों मैं सैंडविच में यूज होने वाले मटेरियल की बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है चटनी, अलग अलग सॉसेजेस, चीज, पनीर, सोया सॉस, मायोनीज, इसके अलावा सॉस और लहसुन वाला चटनी भी इसके अंदर यूज होता है। इसके अलावा आपको रॉ मटेरियल में आलू, ककड़ी, टमाटर, बीट, शिमला मिर्च भी आपको डे टू डे बेसिस पर परचेस करना होगा। अगर मैं बात करूं एक ग्रिल सैंडविच की तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है 10 से लेकर 12 रुपए की, जिसको आप आसानी से 30 रुपए में बेचते हो। तो इस बिजनेस में भी आपको 50% से ज्यादा का प्रॉफिट होता है। अगर आप 1000 रुपए के
रॉ मटेरियल से स्टार्ट कर रहे हो तो आप आसानी से 2,500 से 3,000 रुपए कमा सकते हो। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं लास्ट फूड बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों लास्ट फूड बिजनेस है टी और कॉफी स्टॉल। दोस्तों हमारी इंडिया में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला जो पेय है वो है टी, ये तो आप जानते ही है, और बहुत सारे लोग तो अपने टी का ब्रांड बना के उसकी फ्रेंचाइजी भी देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा, आपको फ्रेंचाइजी नहीं लेनी है, आपको आपका खुद का टी स्टॉल ओपन करना है। अब दोस्तों डिपेंड करता है कि आपका जो टी बिजनेस है वो सक्सेसफुल कैसे होगा। तो उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको 2-3 चीज करनी होगी, जिसमें सबसे पहला हो गया टेस्ट, दूसरा हो गया वैरायटी, आपको अलग अलग टाइप की वैरायटी की चाय आपको बनानी होगी आपके एरिया में, और तीसरा हो गया प्रेजेंटेशन, आप कैसे सर्व करते हैं उस चाय को, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना सक्सेसफुल होगा। जैसे कि बहुत सारे लोग चाय और कॉफी को कुल्हड़ में सर्व करते हैं, तो आप भी कुल्हड़ में सर्व कर सकते हैं, या फिर आपके पास में कुछ हटके आइडिया तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस बिजनेस में मैं स्पेस की बात करूं तो ये भी डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं। इस बिजनेस को भी आप 1,00,000 रुपए के अंदर आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका बजट 1,00,000 रुपया नहीं है, आपके पास में 5,000 से 10,000 रुपए ही है, तो भी आप रोड साइड पे इसको आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो आपको मोटा मोटी इन्वेस्टमेंट जाएगा वो आपका जाएगा वन टाइम इन्वेस्टमेंट में गैस स्टोव को खरीदने के लिए, टॉप वगैरह खरीदने के लिए जिसमें आप चाय को प्रिपेयर कर पाओगे। इसके अलावा टेबल या फिर वो ट्रॉली जिसके ऊपर आप ये बिजनेस सेटअप करेंगे, ये मैं बात कर रहा हूँ रोड साइड की। चाय बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट यूज होता है वो होता है चाय पत्ती। इसके अलावा आप किस टाइप की चाय बना रहे हैं उसके हिसाब से आप इंग्रेडिएंट डाल सकते हैं, जैसे कि अदरक की चाय, इलायची की चाय, दूध वाली चाय। जितनी टाइप की आप वैरायटी रखेंगे उतने ज्यादा लोग आपके यहाँ पर आएंगे और आपके प्रोडक्ट्स को टेस्ट करेंगे, और आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिकेगा और आपको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब अगर मैं बात करूँ एक दूध वाली चाय जो अदरक की उसको बनाने की मैं बात करूँ, तो उसमें आपका जो मोटा मोटी खर्चा आता है एक चाय बनाने के लिए वो आता है 4 से 5 रुपए का, और उस चाय को आप आसानी से 10 रुपए कप में बेच सकते हैं। इस बिजनेस में भी आपको आराम से 50% से ज्यादा का प्रॉफिट मार्जिन मिलने वाला है। अगर आप दिन के 200 कुल्हड़ भी बेचते हैं या फिर 200 कप भी बेचते हैं तो आप आसानी से 1,000 रुपया कमा सकते हैं। दोस्तों ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अगर आपकी चाय का टेस्ट बहुत अच्छा है और आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर लोगों का फुटफॉल ज्यादा है तो ये नंबर ज्यादा भी बढ़ सकते हैं। मैंने ऐसे चाय वालों को भी देखा जिनकी दिन की 1,000-1,000 चाय भी बिकती है और वो महीने का 1,00,000 रुपए आसानी से कमाते हैं। तो आपके बिजनेस की सक्सेस भी डिपेंड करेगी कि आप कौन से एरिया में ओपन कर रहे हैं और आपके प्रोडक्ट का टेस्ट कैसा है। अगर टेस्ट भी अच्छा है और लोकेशन भी अच्छा है तो डेफिनेटली अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। तो दोस्तों ये जितने भी मैंने बिजनेसेस आपको बताए हैं ये आप कम बजट से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी शर्म छोड़नी होगी और रोड पे उतरना होगा और अपने प्रोडक्ट को सबसे बेस्ट बनाना होगा और उसे बेचना होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे आप इसको और एक्सपांड कर सकते हैं, आप इन बिजनेसेस को कंपनी बना सकते हैं, कंपनी के बाद में आप इनकी फ्रेंचाइजी वगैरह भी दे सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कमेंट में आकर ये लिखेंगे कि भाई तू ही क्यों नहीं स्टार्ट कर लेता, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ऑलरेडी मैं 2 बिजनेसेस कर रहा हूँ। यूट्यूब पे वीडियो बनाना मेरा शौक है इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, और वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि मेरी वीडियो देखकर एक की भी जिंदगी बदलती है तो उससे अच्छा मेरे लिए क्या होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।